नमस्कार, एडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। डालेंगे एक नजर देश और दुनिया पर। बुजुर्ग का लिहाज छोड़ 90 साल की महिला से युवक ने किया दुष्कर्म। महिला ने किया विरोध तो युवक ने पीटा। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पकड़कर आरोपी की करी पिटाई, किया पुलिस के हवाले। बहू ने कराया मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में मां के प्रेमी ने बेटी को मारी टक्कर, बाल बाल बची बेटी, हुई घायल। आरोपी ने जान से मारने की दी धमकी। किशोरी को मां और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखना पड़ रहा भारी। प्रयागराज में दिखी भाजपा नेता की दबंगाई, बुलडोजर से ढहा दिया कार्यकर्ता का घर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई थी पार्टी की सदस्यता। दबंगाई का वीडियो आया सामने, 30 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। हरदोई के ढाबा पर संचालक को खाने के रुपए मांगने पर दरोगा ने दिखाया वर्दी का रौब। दरोगा ने ढाबे पर शराब पीकर किया जमकर हंगामा, वीडियो हुआ वायरल, दरोगा को किया गया निलंबित। लखनऊ में छेड़छाड़ पर ई रिक्शे से कूदी छात्रा, छेड़छाड़ कर रहे युवक को धक्का देकर गिराया, होटल में छिपकर बचाई अपनी इज्जत। पुलिस से की शिकायत, पुलिस कर रही सीसीटीवी कैमरे से तलाश। अलीगढ़ में सीएससी प्रभारी ने युवक को मारा थप्पड़, प्रमाण पत्र न बनने की शिकायत करने गए थे ग्रामीण। प्रभारी ने ग्रामीणों से की नोकझोंक तो बनाया वीडियो। वीडियो बनाता देख भड़के डॉक्टर ने मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। मथुरा में बड़ी बंदरों की शैतानियां, पहले बंदर लोगों से छीनते थे पर्स और चश्मे, अब महिला के कानों से खींचते हैं कुंडल। फ्रूटी की बोतल देने पर बंदरों ने वापस किए कुंडल, देखकर लोग हुए हैरान। यूपी के जिला अयोध्या में सहायक लेखाकार को विजिलेंस की टीम ने 1,00,000 रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। हापुड़ में सेब से लदा ट्रक पलटा, सेब लूटने के लिए लोगों की मची होड़। जुटी भीड़ ने खेतों में गिरे पड़े सेब को अपने अपने थैलों में भरना किया शुरू, वीडियो वायरल। देश भर में रही गणेश चतुर्थी की धूम, शहर भर में सजे पंडाल, घर घर बिराजे बप्पा। 10 दिनों तक भक्ति में डूबा रहेगा शहर, 17 को होगा विसर्जन का आयोजन। ये थी देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। कल नई 10 अपडेट को लेकर फिर मिलेंगे हर छोटी बड़ी खबर के साथ। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें एटी न्यूज इंडिया।